द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन पर बनी फिल्म का गोरखपुर के लोगों का रिएक्शन और रिव्यू। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और उनके पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई है। फिल्म में यह दिखाने की भी कोशिश की गई है कि पिछले 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों ने किस तरह अपनी मिट्टी को छोड़कर पलायित होने को मजबूर हुए। रिलीज के बाद से ही फिल्म कमाई को लेकर चर्चा में है। फिल्म महज कुछ दिनों में 116 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, इसलिए कई राज्य सरकारों ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाती यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। जिन राज्यों ने टैक्स फ्री किया है उनमें सबसे पहले हरियाणा सरकार ने टैक्स फ्री किया था। इसके बाद फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। द कश्मीर फाइल्स इन दिनों बेहद चर्चा में, सिर्फ फिल्मी गलियारों में ही नहीं बल्कि सियासी हलकों में भी इस फिल्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सियासी दलों के बीच बयानबाजियां हो रही है, तो वहीं कई दूसरे मुद्दों पर भी फिल्म विवादों में है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्याचार और हिंसा को बयां कर रहा है। इस फिल्म का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना बढ़ाएगी या एक दूसरे के दुख दर्द को लोग समझेंगे। इसी क्रम में 20 मार्च को द कश्मीर फाइल्स की पूरी कोर टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की और फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री होने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने भी रिटर्न गिफ्ट के रूप में उन्हें ODOP का गिफ्ट हैम्पर दिया और होली की शुभकामनाएं भी दी। द कश्मीर फाइल्स लोगों को कहां तक प्रभावित कर रही है, यह जानने के लिए गोरखपुर न्यूज रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज ने ग्राउंड पर उतरकर सिटी मॉल के आइनॉक्स थिएटर से निकले लोगों से उनकी फिल्म देखने के तुरंत बाद द कश्मीर फाइल्स पर उनकी प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने बताया। इस समय मैं गोरखपुर के सिटी मॉल पे आई हुई हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मूवी लगी है द कश्मीर फाइल, उसके बारे में लोगों की क्या राय है, क्या रिव्यू है, ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मूवी है ये लगातार रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, और इसके बारे में जनता की क्या राय है ये हम गोरखपुर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म लोगों को कहाँ तक प्रभावित कर रही है और इस फिल्म को लेकर लोगों की क्या भावना है, एक दूसरे के प्रति उनकी क्या भावना होगी, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। इस समय मैं गोरखपुर के सिटी मॉल में हूँ और यहाँ पर जो लोग आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे जो लोग हैं वो लोग द कश्मीर फाइल्स मूवी है उसको देख कर थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस फिल्म के बारे में क्या राय है। देखी है लेकिन मूवी बहुत अच्छी लगी, फिर से आज देखने का मन है। जी, और वाकई में जो फीलिंग्स दिया इन्होंने, जो रियलिटी बताया वो वाकई काबिल तारीफ है। एकदम रोवा रोवा एकदम खनखना जाता है कि आखिर ऐसा हम लोगों के साथ में और हम लोग कहाँ पे थे, और निश्चित तौर पे और आगे से ऐसा नहीं होगा। और मैं एक बार कहना चाहूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, जो ये मूवी है द कश्मीर फाइल्स, इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, हाँ विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने जो 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो आतंकवादियों ने उस समय जो अत्याचार, जो हिंसा किया, इतना बर्बरता कि उन्हें अपना राज्य, अपना जमीन छोड़कर वहाँ से पलायन करना पड़ा, तो उनके जो दर्द को क्या इस मूवी में बखूबी दिखाया गया? आपको क्या लगता है हकीकत के कितने नज़दीक है? उन्होंने प्रयास तो पूरा किया है दिखाने का, लेकिन जैसा कि वो अपने टीवी इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमने अभी 30% ही दिखाया है, अभी 70% ऐसे फैक्ट्स है जो वो दिखा नहीं पाए, कुछ ऐसे दर्द हैं जो बयान नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से अभी ये दर्द कम ही दिखाया गया, इसको और दिखाने की आवश्यकता थी। आपको क्या लगता है, मतलब अगर इस दर्द को और बढ़ा के दिखाया तो इसका आम जनता पे क्या मतलब क्या असर पड़ता, उस समय के लोगों पर क्या फर्क पड़ा, यह जानती हैं आप? उस समय के लोगों ने जो दर्द झेला है, अब ये पिक्चर कुछ नहीं दिखा पा रही है। जिससे कि हम लोग छोटे पर से देखते आते हैं, दूरदर्शन पे कश्मीर नामा देखते थे,
जब कश्मीरनामा आता था तो पता चलता था कहीं 25-50 लोग मार दिए गए, चाहे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, ऐसा कहीं मंदिर उड़ा दिए गए, चाहे कहीं रास्तों को तोड़ दिया गया, ये सब क्या था उस समय का जो आज की पिक्चर में दिखाने का? ये पूरा प्रॉपरली रिसर्च है ये, और ये रिसर्च उन्होंने 30% ही दिखाया है। नहीं नहीं, जैसे लोगों का कहना, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नो मैम, ये रिसर्च है और एकदम हकीकत है, दिखाया गया। और मेरा ये मानना है कि एक जेनोसाइड की फिर जरूरत है कश्मीर में। जिस तरह से एक विशेष धर्म के लोगों को मारा गया, वैसे फिर एक बार आर्मी का ऑपरेशन चला के एक बार जेनोसाइड कराने की जरूरत है। जिस तरह का नरसंहार दिखाया गया, ये एकदम सत्य है, ये घटना एकदम सत्य है। अच्छा सर, ये कहीं से कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हमको लग रहा है कि और ज़्यादा क्रुएल्टी हुई थी। अभी तो पिक्चराइजेशन है, पिक्चराइजेशन पे हमारे अंदर इस तरह की भावना आ रही है। हमको लग रहा है कि इससे ज़्यादा क्रुएल्टी हुई थी। और नो डाउट ये जो हमारे यहाँ कई शिक्षण संस्थान हैं, जो ये लोग तथाकथित अलगाववादी गुटों को समर्थन देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे ये फिल्म में अगर कोई भी ऐसा देश या मुल्क नहीं होगा जहाँ के लोगों को अपने ही देश में अपने राज्य अपने जमीन को छोड़कर उनको पलायन करना पड़ा, तो वो जो दर्द था उस बारे में आप कुछ बताइए, आपको क्या लगता है? क्या बड़ा ये बहुत बड़ा दुख है और कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकता। जो पंडित होते थे वो अच्छी अपनी धरोहर को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी ये जिहाद है ये सब बहुत गलत है। हम कहते हैं इंडियन आर्मी को एक और ऐसा ऑपरेशन करके कश्मीर से चीज़ें ख़त्म हो जाएं, हम लोग भी जाएं कश्मीर देखें और कश्मीर विकास हो और कश्मीरी पंडित फिर आए, फिर वहाँ जाएं और ये जिहाद कभी ना हो। कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ इस्टेब्लिश किया जाए और एक अमन चैन का वातावरण बनाया जाए और ऐसे अलगाववादी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो देश में जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। मैम, जितने लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर उनके घर पे ये चीज़ घटना घटित होती या फिर उनके साथ हुई होती तो शायद ऐसे लोग आज ये कहने के लिए नहीं कभी कह पाते हम लोग के बीच में कि उनके साथ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। या फिर अगर ये घटना उनके परिवार की होती तो शायद उनके नज़र में ये प्रोपेगेंडा नहीं होता, तब उनको ये सत्य घटना लगती। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सत्य घटना झेलना हो तो एक बार उनको भी जरूर ये मूवी देखनी चाहिए। मैं सबसे बड़ी चीज़ है सेकुलर लोगों को, जो सेकुलर लोग थे वो लोग इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाए? जब ये सारी चीज़ें हुई तब किसी की आवाज़ नहीं निकली, कोई नहीं चिल्लाया। एक अभी कोई दलित को मार दो, कुछ कर दो तो दुनिया भर का हंगामा होता है। और पूरे इतने लाखों लाखों लोगों को निकाल के मार के वहाँ से हटा दिया, भगा दिया, उनके बहू बेटियों के साथ रेप किया, तब किसी की आवाज़ नहीं उठी, क्यों? आखिर तब भी तो सरकार थी, सरकार क्यों नहीं कुछ की? ये बड़े दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है, इसको देखने के बाद रोने को दिल होता है। मैंने वो जैसे जो कश्मीरी पंडितों को टेंथ में रहते हुए देखा, उनका जो भी कष्ट था बहुत बुरा था मैडम ये, और कोई सरकार ने वहाँ कोई मदद ही नहीं की। और ये गलत चीज़ें ये होनी नहीं चाहिए, जो भी हुआ बहुत गलत है और ये सब जिहाद विहाद नहीं होना चाहिए। और कश्मीर एक अच्छा सिटी बने, अच्छा विकास हो, स्पोर्ट्स जाए, शिक्षा का जो भी है बहुत अच्छी चीज़ें जाए, ये जिहाद हमेशा ख़त्म हो जाए, ताकि इंडिया से ख़त्म हो जाए मैडम। अच्छा, तो ये बताइए जैसे अभी जो मोदी जी की सरकार है 8 साल में, आपको क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है? बहुत हुआ है, मोदी योगी रहेंगे तो बहुत बदलाव होगा और रामलला का मंदिर भी बनेगा, बहुत कुछ बदलाव होगा। और योगी जी हैं तो विकास है, एक सन्यासी बहुत अच्छा विकास कर सकता है और वही राजा बनने के लायक है। एक सन्यासी परिवारवादी नहीं चाहिए हमको, साइकिल भी नहीं चाहिए हमको, योगी मोदी चाहिए और उन्हीं की सरकार आए। सर, अब आप लोग ये बताइए कि जैसे अभी ये जो मूवी है द कश्मीर फाइल, इस पे समाज पे क्या असर पड़ेगा? लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो प्यार का भावना है, एक दूसरे के दुख को समझेंगे लोग, या एक दूसरे के प्रति दुर्भावना आएगी? आपको क्या लगता है क्या होगा इस मूवी को देखने के बाद? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी के माध्यम से जो उस समय 1990 में जो भी घटना हुई थी तो उसका मतलब चलचित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस समय की घटना और अभी जो हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, तो इस मूवी को देखें और एक तरह से अपने तरफ से भाईचारे या जो भी है वो गंगा जमुनी तहजीब रहनी चाहिए, मगर उस समय की जो घटना हुई थी उससे भी हम लोग सबक लें। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अभी इस मूवी को देखने के बाद दूसरे विपक्ष को या किसी भी तरह से उनके खिलाफ भेदभाव का विचार करना चाहिए। उस समय की घटना थी, अभी क्या है, अभी हम सभी को मिल के रहना चाहिए। भारत है, हमारे देश है, सब लोग भाई भाई हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मोदी योगी जी हैं उनके साथ, अभी आप देख सकती कैराना में भी
1990 की बात ना जाए, कैराना में भी ये हालात हुई थी, कितने सारे परिवारों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था। ये 1990 की बात नहीं, ये अभी की बात है। तो नरेंद्र मोदी और यूपी में जब से सरकार आई, देखिए फिर से पलायन करके उन लोग को वापस लाया गया। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उस समय और हमें अपनी गंगा जमुनी तहजीब को रखना है और मूवी को मूवी की तरह देखें और एकजुटता हम लोग बना के रखें पहले की तरह से। बस किसी के साथ भेदभाव ना करें, मगर हम लोग को एकजुटता बना के रखना पड़ेगा। बस थैंक्स है इस गवर्नमेंट को, कम से कम ये गवर्नमेंट ये भेदभाव तो नहीं कर रही है, किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है। जो मिलता है सबको मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को देती है। लेकिन पर्टिकुलर कुछ ऐसे जो सेकुलर अपने आप को बोलते हैं ना, वो किसी जाति विशेष को लेकर के जातीयता तो वो लोग फैला रहे हैं, सारी जातीयता तो वो लोग फैला रहे हैं। और ये जो दुनिया का जो लड़ाई झगड़ा, ये सारी ये पॉलिटिक्स ये लोग पैदा कर रहे हैं। आज ये सरकार जो है, ये सरकार इस तरह की कोई चीज़ नहीं, उसको सबको समान लेके चलने की कोशिश कर रही है। लोग अभी इस फिल्म को लेकर के दुनिया का हल्ला हो रहा है, इससे वैमनस्य हो रहा है, ये हो रहा। अरे दो लोगों को सच्चाई तो देखने दो, हुआ क्या? इतिहास के पन्नों में तो सारी चीज़ों को दबा के रख दिया है, सच चीज तो निकलने दीजिए कम से कम, क्या सच है? सारे लोगों को जानने तो दीजिए, लोगों की आंख खोलने दीजिए कि क्या है। तो सर आप बताइए, जो आपने मूवी अभी देखी है द कश्मीर फाइल, आपने देख ली, तो उसके बारे में आप बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं? मूवी तो अच्छी है मैम, लेकिन एक थॉट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने तो टिकट को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन जो भी है अगर बेस पर देखा जाए, धरातल पर, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, टैक्स फ्री कहीं कुछ नहीं हुआ है। मूवी टैक्स फ्री नहीं हुई है, टिकट पे मैंने बात की है, ये केवल वो राज्य सरकार ने जो भी ऑर्डर दिया है ये लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी मैं जिस थिएटर पे होके आया हूँ, माया गया था, एडी मॉल पे गया हूँ, यहाँ पे भी आया हूँ, किसी मूवी में भी जो भी है जहाँ पे भी है, टैक्स फ्री का कोई मतलब ये बाउंडेशन नहीं है। जब मैंने उनसे ये बात रखी तो उनका मुँह नीचे हो गया, वो बात करने के लायक ही नहीं है, क्या बात करेंगे। तो ये जो सच्चाई है बतानी ज़रूरी है। बस वो प्लेटफॉर्म ऊपर से कह जाएगा टैक्स फ्री आप लोग जाइए, और कई लोग ले भी ले रहे हैं टिकट। अब देखिए ऑनलाइन टिकट उन्होंने दिया मुझे, आप क्या चाह रहे हैं? टैक्स फ्री हुआ है तो धरातल पे भी दिखना चाहिए जो भी है। आपको लगता है टैक्स फ्री नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, वो टिकट में मेंशन भी है, टैक्स उनका जीएसटी दिख रहा है साफ साफ उसमें, जीएसटी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अभी जो उन्होंने कहाँ गए, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो लोगों ने द कश्मीर फाइल मूवी देखने जो लोग आए थे, उन्होंने इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं अपने रिव्यू दी, और वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी क्या सोच है इस फिल्म के बारे में। वैसे तो कश्मीर के मुद्दे पर कई सारी फिल्में आई, लेकिन ये जो फिल्म है, इस फिल्म में आम लोगों से लेकर जो सियासी लोग हैं वो भी इस फिल्म के मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। खैर, इस फिल्म की अगर रिव्यू की बात करें तो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और ये फिल्म लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, गोरखपुर न्यूज़।